दोस्तों अगर आपके अभी मेवी के डुई पॉड्स F50 मॉडल वाले ईयरबड्स हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे वॉल्यूम वाले या प्रीवियस नेक्स्ट के कंट्रोल्स वर्क करते हैं और कहां पे टच करना होता है, तो आपको वीडियो पूरा हेल्प करेगा। आज भी मैं आपको इसके पूरे टच कंट्रोल्स एक्सप्लेन करेंगे ताकि अगर आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल पाए। अभी तक आपने माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज माय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शंस को जानना कि कैसे फंक्शंस वर्क करते हैं। तो उससे पहले आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कैसे ईयरबड्स को पेयर करते हैं ताकि अगर आप भी फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं मीवे के ईयरबड्स का तो आपको कोई प्रॉब्लम ना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, आप देखेंगे ईयरबड्स अभी केस के अंदर है। मैं अपने फोन पे जाऊंगा ब्लूटूथ सेटिंग्स में, आप यहाँ पे देख पाए, इसकी मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आप ढंग से देख पाए क्लियर करके। मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया, अगर आपको पास ला के दिखाऊं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा तो आप देखेंगे अगर मैं केस को ओपन करूँ तो यहाँ पे वो सर्च में नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि इसमें वाली फंक्शनैलिटी नहीं है कि अगर आप केस ओपन करें इसका चार्जिंग केस तो यहाँ पे वो सर्च में आ जाए। तो आपको इसके लिए करना क्या होता है, आपको ईयरबड्स को पहले बाहर ही निकालना पड़ेगा। तो जैसे भी मैं इसको बाहर निकालूंगा तो आप देखेंगे ईयरबड्स में एक लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर ढंग से दिखा पाऊँ तो आप देखेंगे रेड और ब्लू कलर की एक लाइट जो है ब्लिंक करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब है ये ईयरबड्स अब पेयरिंग मोड में जा चुके हैं। उसके बाद मैं इनको साइड में रख दूंगा और आपको दूसरा स्टेप क्या फॉलो करना होता है कि दोनों ईयरबड्स को एकदम साथ में रखें ताकि ये पहले आपस में पेयर हो सके। तो ये आपस में ऑलमोस्ट पेयर हो जाते हैं, फास्ट होता है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई वेट करना है। जैसे भी आप इनको एक साथ रखेंगे दोनों आपस में पेयर हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे अगर मैं यहाँ पे आप सर्च करूँ तो अब यहाँ पे आप दिखाएगा मीवी ड्यूपॉड्स F50। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे वो पेयरिंग के लिए आ जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गए पेयर। तो पेयर हो चुके, अब चलिए म्यूजिक पे चलते हैं और आपको सारे कंट्रोल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपको सबसे पहले बताता हूँ अगर आपको म्यूजिक को प्ले या पॉज करना है तो अगर आप लेफ्ट या राइट ईयरबड में किसी भी ईयरबड को एक बार टैप करेंगे तो आप देखेंगे आपका म्यूजिक पॉज होगा। वैसे अगर आपको एक बार प्ले करना है तो आप टच करेंगे तो वो अगेन प्ले हो जाएगा। तो आप ये लेफ्ट राइट किसी से भी कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों में प्रॉपर वर्क करता है। वैसे अगर आपको म्यूजिक को अगर प्रीवियस या नेक्स्ट करना है तो अगर आपको नेक्स्ट में जाना है तो आप राइट वाले में डबल टैप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आप दूसरे गाने पे चला गया। वैसे अगर मुझे प्रीवियस गाने पे जाना है तो मैं डबल टैप करूंगा तो प्रीवियस सॉन्ग में चला जाएगा। तो इस तरीके से डबल टैप से वो प्रीवियस या नेक्स्ट पे जाता है, सिंगल टैप पे प्ले या पॉज होता है। वैसे अगर आपको गूगल असिस्टेंट वाला या सीरी वाला एक्टिवेट करना है तो आपको तीन बार टैप करना है, 1 2 3। तो आप देखेंगे इस तरीके से वो एक्टिव हो जाएगा। थोड़ा इसमें डिले भी होता है डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा फोन है, तो मेरे फोन में थोड़ा डिले कर रहा है, एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इस बार थोड़ा फास्ट रिएक्ट किया। अब ये डिपेंड करता है आपके फोन में भी, तो अगर आप ट्रिपल टाइम्स टैप करेंगे अपने लेफ्ट या राइट ईयरबड में तो आपका गूगल असिस्टेंट या सीरी वाला एक्टिवेट हो जाएगा। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए आपको करना क्या होता है, आप राइट वाले को एक बार टच करके रखिए लॉन्ग प्रेस तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे फोन वाला उस तरीके का अपडेटेड नहीं है। वैसे अगर मुझे वॉल्यूम को डाउन करना है तो एक बार सिंगल टच करके प्रेस करके रखूंगा तो वॉल्यूम लेफ्ट वाले को डाउन कर टच करके रखने से वॉल्यूम डाउन हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम वाले कंट्रोल वर्क करते हैं। तो ये तो रही म्यूजिक कंट्रोल्स की बात। अगर आपको कॉल को पिक या ड्रॉप कर रहे हैं तो अगर आपको कॉल आ रहा है और आपको कॉल पिक करना है तो आप लेफ्ट या राइट में से किसी भी एक बार ईयरबड को टच करेंगे यूं करके तो आपका जो कॉल है वो पिक हो जाएगा। वैसे अगर आपको ड्रॉप करना है कॉल तो आप लेफ्ट या राइट में से किसी भी ईयरबड को 2 सेकंड तक टच करके रखेंगे ऐसे तो आपका कॉल रिजेक्ट हो जाएगा या ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कॉल पिक करना है तो सिंगल टैप पे कॉल पिक होगा, अगर आपको कॉल को रिजेक्ट करना है या ड्रॉप करना है तो आप डबल टाइम्स टैप करेंगे या 2 सेकंड क्लिक करके रखेंगे तो आपका कॉल ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके कंट्रोल वर्क करते हैं जो आते हैं मीवी ड्यूपॉड्स में। अगर आपको मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।